सो हे गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर ट्यूनिंग टू मिस्टर मैन। सो गाइस, वैसे तो मैं टाइटल वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट ये मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ऐसे रिकमेंड किया कि भाई ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो मुझसे उन्होंने जनरली सवाल पूछा, तो मुझे लगा कि भाई एक कंटेंट मिल गया मुझे, और यूट्यूबर कभी भी एक कंटेंट कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो होप सो कि इस वीडियो से आप लोग का बहुत ही जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, जिनको ये कन्फ्यूजन है। और भाई लास्ट वीडियो में जो तुम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, सिर्फ और सिर्फ चार सब्सक्राइबर बढ़े और कुछ नहीं। तुम लोग से उम्मीद ही करना बेकार है। सब्सक्राइब कर दो यार, पैसे नहीं लगते हैं, बस रेड वाला बटन टिक ऐसे दबा देना है, एक रुपए नहीं लगेंगे, कसम से भैया कसम, एक रुपए नहीं लगेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। कि बहुत लोग के ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ट्रैवलिंग वेलिंग में मतलब ज़्यादा नहीं भेजते हैं अकेले बच्चों को, कि भाई लड़का है बच्चा है अब अकेले कैसे जाए। कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ कि मैं एट द एज ऑफ 20 मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ, हर जगह जा आ सकता हूँ कहीं भी। तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि मेरे पेरेंट्स कैसे अलाउ करते हैं मुझे कहीं भी ट्रैवलिंग करने के लिए, और मे बी मैं 16 या 17 तारीख को कहीं जाऊं एक ट्रिप के लिए, और उसके बाद आप लोग के लिए एक बहुत ही मस्त क्यों वीडियो आने वाला है। मैंने पोल डाला है, तो आप लोग उस पर अप्लाई कर दो कि भाई क्या है, मतलब क्यों आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो गाइस, वेदर तो काफ़ी ठीक हो गया है, बट गर्मी लग रही है। तो अभी तुम्हारा भाई जा रहा है बाल कटवाने, क्योंकि उसके बाल थोड़ा सा ऐसे मैसी हो गए, इस वजह से कैप अप लगा के घूमना पड़ता है। तो तुम्हारा भाई आ रहा है बाल कटवा के एकदम नए लुक में, फिर तुम लोग से मिलता है और फिर बात करते हैं आगे। बाय। ओहो जम्बोलाल, क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? हम हैं यूट्यूबर। कौन यूट्यूबर? आयुष। कितना तुम्हारा सब्सक्राइबर है भाई? मेरे समय 1500 सब्सक्राइबर है भाई। बस इतना एक साल से मेहनत करके ये उखाड़ पाए हो? देख लो तुम लोग को वैसे क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तुम लोग को वैसे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ऐसे लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो गाइस, अभी शिवम की दुकान पे आए हैं और अब चलते हैं बाल वाल कटवाने, क्योंकि ऐसे सैटरडे और टर्डे को बाल वाल नहीं कटवाते हैं, घर वाले बोलते हैं। तो अभी जाते हैं, वो सामने शॉप है वहाँ वाली, तो वहाँ पे बाल वाल कटवाते हैं। और देख लो यार क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तो कुछ तो दया करो। वो साल भर से 1500 सब्सक्राइबर, बेइज्जती तुम्हारे भाई की हो गई। ये भैया हमारे साथ गए थे जम्मू वाले ट्रिप पे, पर ये बीच में निकल गए थे। शक्ल वाला भाई गया था हमारा, हम ब्लड बेचते हैं, हम तो तकले ले कहीं गए भी नहीं। ये गरीब अंडा रोल सेंटर, ये गरीब नहीं भाई, बुलेट में घूमते हैं, करोड़पति आदमी है। वो तो है भाई, वो तो रोते अच्छे, और कोई बात नहीं। और ये भी करोड़पति है, पर ये खर्चा करने को तैयार नहीं रहता है। गरीब मैं हूँ। किधर से लग रहा है दुकान में बैठा, ये गरीब कहाँ से? गरीब सेठ की सेठ की तरह बैठा है, ये गरीब है। इसको मानो खाने खाती नहीं दे रहा, दिन भर काम कराता है, खटाता इसी तरह। सो गाइस, बाल मैंने कटवा लिया, बट अभी आपको नहीं दिखाएंगे, अभी बहुत तेज की भूख लग रही है। तो अभी यहाँ पे एक ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं भैया, तो वहाँ से ब्रेड पकौड़ा लेते हैं। ब्रेड पकौड़ा बना देंगे, दो बना दीजिए एकदम एक नंबर। ले भाई बहुत गर्म है, जल्दी पकड़, गर्म है भाई। सो गाइस, ये जो ब्रेड पकौड़ा है ये काफ़ी यहाँ पे स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेड पकौड़ा है इसके अंदर आलू के अंदर पनीर प्याज और थोड़ा सा केचप वचप डाल के बहुत ही नए तरीके से बनाते हैं। मतलब इधर मैंने पहली बार खाया है और कई जगह मुझे नहीं दिखता है, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। मुझे लगता है कभी कभी मुझे फूड ब्लॉग खोल लेना चाहिए। कैसा है भाई? मैं खा के बताता हूँ। वाह यार, अमेजिंग। आप देख रहे हो कितना स्टफिंग इसके अंदर डाला गया है, बहुत चीज़ उसके अंदर डाली गई है। सो गाइज, अभी ब्रेड ख़त्म की है, भूख मतलब ख़त्म नहीं हो रही है, तो अब देखते हैं अगर कुछ अंडा उंडा है तो अंडा उंडा खाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ऑमलेट बनाना है, we'll be right back.
मेरी जो भूख है ना वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाया या नहीं था, सिर्फ चाय पी के निकला था। तो अब जो है ऑमलेट की बारी है, ऑमलेट अब ठूसूंगा अंदर और फिर थोड़ा सा एनर्जी आती है तो ब्लॉग करता हूँ। और वैसे बाल कट चुके हैं तो, बट मैं आप लोग को अभी नहीं दिखाऊंगा, रिवील करता हूँ आगे। सो गाइस, दुकान पे बैठे बैठे काफ़ी बोर हो गए थे, तो अभी मैं और शिवम थोड़ा सा बाहर निकले हैं घूमने वूमने और इन्जॉय कर रहे हैं। मौसम काफ़ी एकदम सही है। अब पता नहीं आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि ऐसे विंड ऐसे काटता है ना। तीन दिन से मूड काफ़ी ख़राब था, बट इस समय एकदम मैं फॉर्म में हूँ। पता नहीं क्यों, अंदर से खाना खा लिया तो एनर्जी एकदम लग रही है। तो गाइस अभी आए हैं यहाँ पे पेट्रोल वेट्रोल भरवाने, तो सर की बाइक में पेट्रोल डालेगा। वाह वाह वाह, मम्मी की फ़ोटो। भाई ये काम सब लोग करो, 50 का कितना मानता है अपनी माँ को। कुछ लोग होते हैं नहीं लेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो रखते हैं अपने पर्स में, बट भाई इससे मम्मी का, मम्मी से बहुत प्यार करते हो। मुझसे नहीं करते, मुझसे नहीं करता पेट्रोल भर दीजिए। सो ऐसे दिन आ गए हैं गाइस कि 50-50 रुपए का तेल भरवाना पड़ रहा है। रख लूं मैं, लेकिन भाग जाओ। ओहो, वाटर लेवल काफी बढ़ चुका है फिर से। तो गाइज अभी हम लोग साईं मंदिर आए हैं और अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो मेन टॉपिक था। कहाँ गाड़ी ले जा रहे हो? अच्छा, उधर खड़ा कर रहे हो। सो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक था हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर ट्रैवलिंग। व्यू देखो कितना सुंदर दिखता है पूरा। कैमरा ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकता, जो व्यू रियल में आदमी देख सकता है वो कैमरा सीरियसली जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो गाइस पहले का जो सीन था, पहले का ब्लॉग जाके देख लो, मैंने यहाँ का बनाया। यहाँ तक अभी पानी आ चुका है, पहले वहाँ तक वो जो लाइन आप लोग को दिख रही है वहाँ तक पूरा रेत था, बट अब देखो सीन, वहाँ पे रेत दिख रही है, वहाँ पे हल्की सी रेत दिख रही है, बट इधर पूरा तो पानी भर चुका है। सो गाइस थोड़ा सा पानी के पास चलते हैं और देखते हैं कि पानी कहाँ तक आ गया है। वो लड़का उधर क्या कर रहा है? ओ भाई साहब, तुम ये ऐसे नेचर को बर्बाद कर रहे हो, बताओ। तुम इन्फ्लुएंसर के दोस्त हो, ये क्या कर रहे हो बताओ? वहाँ पीछे सुसु कर रहा है। इस पानी के एकदम पास आ गए, यहाँ तक पूरा पानी आ चुका है और यहाँ से वहाँ तक का जाने का रास्ता भी है दूसरे घाट पे, बट अभी मैं कुछ समय पहले गया था, बट अब जो रास्ता है वो एकदम कवर हो चुका है। यहाँ ऊपर से जा सकते हैं बट इट्स नॉट सेफ, बट ये जो है पूरा पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। अब धीरे धीरे घटेंगे गंगा जी। मेरे आसपास तितलियाँ, तितली फाइट चल रही है। सो गाइस मेरे आसपास ये इतनी तितलियाँ हैं, तितलियों की फाइट चल रही है। सो गाइस अब बारी है, मैं अपना लुक रिवील करता हूँ कि मैंने बाल कैसा कटवाया है। देखो, देख के कोई हंसेगा नहीं, तो ये रहा मेरा नया बाल का लुक। यहाँ से साइड से छोटा करवा लिया, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। और बीच में ऐसे थोड़े से बाल मैंने छोड़ दिए। एक्चुअली बात क्या थी कि ये ट्रिमर से थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था उससे, इस वजह से मैंने बोला कि पूरा हाई कर दो, और पीछे से ये लुक रहा। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, पीछे से दिख रहा है? दिख रहा है, सही है। तो गाइस कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल, हेयर लुक, जो कह लो। भाई मैं जानता हूँ मैं चिटकुट दिखता हूँ, वैसे भी मैं कैप लगा के ही रहने वाला हूँ। तो अब आगे बात करते हैं। यो ब्रो, मिस्टर मैन ब्लॉगर, मिस्टर मैन ब्लॉगर, 1.5K, हाँ सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अच्छा क्या नाम है? अनुभव, अच्छा अनुभव मिश्रा, कंटेंट क्रिएटर गुप्ता, क्या ब्लॉग चैनल है? नहीं, कंटेंट क्रिएटर शॉर्ट स्टोरी। मैं सब्सक्राइब करूँगा, ओके कमेंट कर दूंगा, ठीक है, ओके ब्रो। तो भाई गाजीपुर में भी ऐसे ऐसे बंदे अचानक से मिल जाते हैं, तो वही भाई पूछ रहा था कि क्या ब्लॉग बनाते, तो उसके भी चैनल का नाम था, तो मैं उसको सर्च करके उसको फॉलो कर लूँगा, बाद में उसको क्या कर लेंगे। तो गाइस अब करते हैं मेन टॉपिक की बात स्टार्ट। तो अभी जैसा कि टॉपिक था कि हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर ट्रैवलिंग, तो वहाँ पे अभी अपना चेहरा और रिवील कर लिया, अरे अपना बाल और रिवील कर लिया, इसलिए नहीं बता पाए। तो अब आए हैं, थोड़ा सा शांति माहौल मिला, तो अब सोचते हैं कि अब थोड़ी सी बात कर लिया जाए। तो मेरे से ये क्वेश्चन कुछ दोस्तों ने मेरे पूछा था कि यार ये बात है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बनाना सही रहेगा।
तो मेन बात क्या है कि यार देखो, पेरेंट्स का भरोसा जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स का भरोसा नहीं जीते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फेज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, शैतान होते हैं, थोड़ा सा नटखट होते हैं, तो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं कि यार ये इसकी एज, अगर आपकी एज 24, 21 भी हो गई है तो थोड़ा सा नहीं अलाउ करते हैं, डरते हैं कि अगर आप पेरेंट्स के अंडर हो तो हल्का सा उनको कहीं ना कहीं लगा रहता है कि यार मेरा बेटा अकेला जाएगा, कहीं ट्रैवलिंग में कुछ हो ना जाए, क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा कंसर्न ये चीज़ शो करते हैं और हमेशा आपकी केयर करते हैं। तो पेरेंट्स को मनाने का कोई ऐसा कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, बस ये है कि आप उनके गुड बुक्स में रहो। गुड बुक्स इन द सेंस कि आप थोड़ा सा उनके नज़र में अपनी अच्छी इमेज, अपना अच्छा कैरेक्टर शो किए रहो। एंड दूसरी बात है कि उनको ये चीज़ मतलब बताओ कि भाई हाँ, आप अब सीनियर हो चुके हो, आप अब उस एज के हो कि खुद को संभाल सकते हो, तो और जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो चीज़ थोड़ी सी दूर करने की कोशिश करो। उनके गुड बुक्स में रहोगे, सिंपल सी बात है यार, आप हमेशा कहीं भी आप जाने के लिए पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करेंगे कि आप कहीं भी जा सकते हो। और कुछ तुम्हें कहना है? नहीं कहना है, इसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि भाई इसके पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स, मतलब हम दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं। मतलब कहीं भी अभी ट्रिप व्रिप पर जाना रहता है तो हम लोगों ने साथ में काफ़ी राइड की है, ट्रिप की है। जैसा कि हम लोग लास्ट ईयर जम्मू गए थे, तो जम्मू वाला ब्लॉग नहीं देखे हो तो जाके देख लो। फिर कोलकाता हम लोग साथ में घूम चुके हैं, हिमाचल घूम चुके हैं, पंजाब घूम चुके हैं, मे बी चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का प्लान बन रहा है। पहला जम्मू कश्मीर वाला ही है? नहीं, उससे पहले कोलकाता घूम लिए तुम लोग। नहीं, जो तुम्हारा ब्लॉग है। हाँ, ब्लॉग वाला, ब्लॉग पहला तुम्हारा जम्मू कश्मीर वाला है। जम्मू कश्मीर वाला है, उसके बाद? हाँ, उसके बाद गाजीपुर। तो अब छत्तीसगढ़ का कभी प्लान बनता है चलेंगे छत्तीसगढ़ का। गाइस, कोरोना वाला संकट थोड़ा टल जाए उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ चलते हैं, वहाँ का भी सीन दिखाएंगे, वहाँ का भी आप लोगों को सीन दिखाएंगे काफी। वहाँ पे बहुत बढ़िया। हाँ, पहाड़ वहाड़ है ना। हाँ, बस बहुत आतंकवादी वाला एरिया, नक्सली नक्सलाइड एरिया है जो भी कह लो। हाँ, तो वहाँ भी हो सके, आगे का प्लान है तो हो सके ये थोड़ा सा कोरोना और वाला सिस्टम खत्म हो जाए और थोड़े से भाई जेब में पैसे वैसे आ जाएँ तो चलते हैं, क्योंकि समय तो सिर्फ सेविंग चल रही है, पैसे वैसे किसी के पास है नहीं, ना मेरे पास, ना ये तो भाई सेट आदमी है इनके पास ऑलरेडी रहते हैं, मेरे पास थोड़ी सी कमी है। तो थोड़े दिनों में अगर ये चीज़ हो जाता है कवर अप कि पैसे वैसे आ जाते हैं, मैं भी अपने नाम के आगे सीओम गरीब लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास भी कमी आ गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस समय सिचुएशन ही ऐसा चल रहा है गाइस कि सबके पास थोड़ा सा स्थिति, सबकी डामाडोल चल रही है, सब पे राहु काल चल रहा है, राहु काल चल रहा है। बट जैसे ही हम लोग के पास कुछ आ जाते हैं, ऐसे भी छत्तीसगढ़ घूमते हैं। और तो होप्स आपको पता चल गया होगा कि भाई पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, बस उनके गुड बुक्स में आना है आपको, अब थोड़ा सा अपना ट्रस्ट क्रिएट करना है। अगर नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, फ्रीडम छिन जाएगा। हाँ, फ्रीडम छिन जाएगा, मतलब आप लोग को खुद ही लगेगा कि यार आपके लाइफ में आप इस एज पे आ गए हो फिर भी आपको लाइफ में इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो अंदर से कहीं ना कहीं चीज़ें काटती रहती हैं। हम लोग के फ्रेंड सर्कल में एक आध दोस्त ऐसे हैं जो जिनके साथ ये चीज़ होती है, बट हम लोग के पेरेंट्स काफ़ी अच्छे हैं कि हम लोग को ये चीज़ अलाउ हो जाती है गाइस।